दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी लोगों को हमेशा मेरे वीडियोस में बताया है कि स्पेस बिल्कुल वैक्यूम की तरह है, ठीक है, और हमारे धरती पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। पर आज के इस वीडियो के लिए अपन लोग मान लेते हैं कि अगर स्पेस में भी एटमॉस्फेयर होता तो हमारे ब्रह्मांड के साथ क्या होता। तो गाइस, वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन से देखो, पूरा देखो, आज आप बहुत ज्यादा सीखने वाले हो और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, सुबह की हवा कितनी ताज़ी होती है और कितनी मज़ेदार भी होती है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तब आपको फ्रेश फील होता है और उसी के साथ आपको पॉजिटिव फील भी होता है, जिसके कारण आपको दिन में जो भी करना है उसके लिए मोटिवेशन मिलता है। हमारे धरती का एटमॉस्फियर 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.93% आर्गन और 0.04% नियॉन, हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। एंड गाइस, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे धरती में जो वायुमंडल है जिसके कारण हम धरती पर सांस ले पा रहे हैं और उसी वजह से एक हैप्पी लाइफ चल रही है धरती पर। हमारी ओजोन लेयर भाई कमाल की है, ये हमें सूरज की यूवी रेडिएशन से बचा रही है, जिसके कारण प्लांट सही प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फॉलो कर पा रहे हैं और हम धरती पर बिना जले आराम से जीवन बिता पा रहे हैं। पर गाइस, आज का फैक्ट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को जरा कॉन्सेंट्रेशन से देखना क्योंकि आज बहुत ज्यादा आपको सीखने को भी मिलने वाला है। जैसे धरती पर वायुमंडल है, वैसे ही धरती के बाहर कोई भी वायुमंडल नहीं है। स्पेस बिल्कुल वैक्यूम की तरह है, स्पेस में कोई मिक्सचर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है। पर पीआर गिल फैक्ट्स में ऐसा नहीं होता है ना भाई। क्या हो अगर स्पेस का वैक्यूम हटा के हमने एयर मॉलिक्यूल्स डाल दिए। इन शॉर्ट, स्पेस में भी वायुमंडल होता तो हमारे ब्रह्मांड के साथ क्या होता। देखो फ्रेंड्स, क्या होता अगर हमारे स्पेस में वायुमंडल होता तो हमारे ब्रह्मांड में तबाही मचना चालू हो जाती। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़े हैं। हमारा प्लैनेट अभी स्टेबल है क्योंकि हमारे प्लैनेट के बाहर कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है जिनको वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर सके। अगर स्पेस की वैक्यूम की जगह एयर मॉलिक्यूल्स आ गए तो बाकी के सोलर बॉडीज जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स एंड एस्टेरॉइड्स वो हवा के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगेंगे, जिससे सबका मास बढ़ते जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी डेंस हो जाएगा। और स्पेस में हवा भरने के कुछ ही समय बाद ग्रेविटी के चलते हम सभी लोग जो धरती पर है, हम टमाटर की तरह पिचक जाएंगे। खैर, अभी के लिए छोड़ो, हमारे मरने के बाद धरती भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी क्योंकि गे लुजैक लॉ के अनुसार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के चलते जो गैस जायंट्स है जैसे जुपिटर और सैटर्न, इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चालू हो जाएगी क्योंकि ये दोनों भाई सन की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने हुए हैं। मतलब हमारे सोलार सिस्टम में करीबन 5 स्टार हो जाएंगे। सबसे पहला सन, सेकेंड है जुपिटर, थर्ड है सैटर्न, फोर्थ है यूरानस और लास्ट है नेपच्यून। और ग्रेविटी बढ़ने के चलते ये स्टार्स एक दूसरे पर गिरने लगेंगे और हमारा सोलर सिस्टम और सारी गैलेक्सीज एक पॉइंट पे जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब एक सिंगुलैरिटी में हमेशा के लिए बदल के रह जाएगी और इसी तरह मानव जाति का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसीलिए खुले आसमान में निकलो, धरती पर ही रहो और उससे ज्यादा जरूरी हमेशा खुश रहो। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो देखने में आप सभी लोगों को मजा आया होगा। तो लीव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो विद द नोटिफिकेशन बेल के साथ। बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई, जेट टीवी, खबरी ऐप, ब्लॉगर, उसी के साथ इंस्टाग्राम, सभी सारे जगह पर अपना पीआरगिल फैक्ट्स का कंटेंट अवेलेबल है। सारे जगहों पर जाके फॉलो करो और पॉडकास्ट वगैरह सारे अवेलेबल है, जाकर पूरा सुनो। अगर आप लोगों को वीडियो देखने की इच्छा नहीं होती है या वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है एज पीआरगिल फैक्ट्स, जाके चेकआउट करो। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड एवरीबॉडी गुड बाय।